जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ आर्मी एग्ज़ाम के अंदर या अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के तहत जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें आने वाले मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का एक पेपर, जो आपके आने वाले अग्निवीर एग्ज़ाम के अंदर आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो अगर आप भी नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। आप जितना लाइक करोगे उतना ज़्यादा वीडियो की रीच बढ़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है कि एक थैले में कुल 10 गेंदे, इनमें से कुछ लाल है और कुछ सफ़ेद हैं। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपये प्रति गेंदे। यदि लाल गेंदों का मूल्य 25 रुपये प्रति गेंद और सफ़ेद गेंदों का मूल्य 30 रुपये प्रति गेंद हो तो सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी होगी। देखो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और इस टाइप के एक दो क्वेश्चन डालते हैं पेपर के अंदर, ठीक है, लेकिन इसका आंसर इतना बड़ा नहीं होगा। देखो इसने कहा कि कुल गेंदे हैं 10, ठीक है, और इनकी जो एवरेज रेट है वो 28 रुपये हैं। तो अगर 10 गेंदों का अगर हम 28 से गुणा करते तो जो इनका टोटल मूल्य है वो 280 रुपये होगा, यानी सभी गेंदे 280 रुपये की है। अब इसमें से एक तो गेंद है सफ़ेद और दूसरी है लाल, ठीक है। अब देखो अगर हम सफ़ेद गेंदों को x मान लेते, क्योंकि 10 है, 10 में से कितनी सफ़ेद है और कितनी लाल है हमें पता नहीं है। तो अगर 10 गेंदों में से अगर x गेंद सफ़ेद है तो लाल कितनी होगी, इस 10 में से माइनस कर दो इस x को, ये जो गेंद है वो लाल है। अब अगर हम बात करते हैं इनके मूल्यों की, तो लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपये है, तो जो लाल गेंद हैं x माइनस 10 माइनस x, इसको गुणा कर दो 25 से, और सफ़ेद गेंदों का जो औसत मूल्य है वो 30 रुपये प्रति गेंद है, तो इसको हम 30 से गुणा कर देते हैं, और इन दोनों की कीमतों को अगर हम जोड़ते हैं तो कुल कीमत कितनी होनी चाहिए, 280 रुपये, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इसको आगे सरल करते हैं तो देखो 30 को x से गुणा किया तो ये हो जाएगा 30x प्लस 25 को 10 से गुणा किया तो 250 माइनस 25 को x से गुणा किया तो 25x बराबर है 280, ठीक है। अब देखो 30x में से अगर हम 25x को माइनस करेंगे तो बचेगा अपने पास 5x प्लस 250 बराबर है 280। ये 250 प्लस का है, इधर आकर हो जाएगा माइनस का 250, ठीक है। 5x बराबर 280 में से 250 को माइनस करेंगे तो बचेगा 30, ठीक है। 5x बराबर 30, तो 5 से 30 कटता है 6 बार, तो x की वैल्यू कितनी आई, 6। अब x किसको माना था हमने, सफ़ेद गेंद को, यानी सफ़ेद गेंदे तो हैं 6 और लाल कितनी हो जाएगी, 10 में से अगर 6 को माइनस करेंगे तो 4। तो यहाँ हमसे पूछा है कि सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी है, तो 86 ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, और लाल गेंद पूछता तो इसका जो मूल्य जो लाल गेंदों की संख्या है वो 4 होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% खर्च करता है, यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपये हो तो उसकी मासिक आय कितनी है, ठीक है। पर्सन सेव 12% ऑफ हिज मंथली इनकम इफ़ हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज 9,360 देन व्हाट इज़ द हिज मंथली इनकम, ठीक है। यानी देखो उसने अपनी जो कुल कमाई करता है उसका 12% वो बचत कर लेता है, ठीक है। अब देखो प्रतिशत को कैसे समझ सकते हैं, हमेशा ध्यान रखना इस प्रतिशत का जो बेस होता है वो हमेशा कितना होता है, आधार 100 होता है, यानी जो प्रतिशत काउंट होता है वो कुल कितना मान के चलते हम, 100। देखो यहाँ मैं फॉर्मूले से बचना चाहूँगा, ठीक है, इसको आसान तरीके से अगर हम करके देखते हैं तो मान लेते हैं कि वो कुल कमाता है महीने के 100 रुपये, ठीक है। अब कमाई के दो ही हिस्से होते हैं, या तो वो खर्च कर देता है या फिर उसके पास उसकी बचत होती है। तो अगर वो कुल 100 कमाता है तो उसमें से वो खर्च कितना करता है और बचत कितना करता है, ये सवाल में हमें दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो 12% बचाता है तो 100 में से वो 12 की बचत करता है। अब अगर मान लो आप 100 रुपये कमा रहे हो उसमें से आप 12 की बचत कर रहे हो तो आपने खर्च कितना कर दिया, 88 रुपये, ठीक है, ये आपके महीने की खर्च हो गया। अब ये तो हुई प्रतिशत की बात, अब अगर हम वास्तविक रूप से देखते हैं तो उसका जो मासिक खर्च है, ठीक है, वो है 19,360 रुपये, ठीक है, यानी वो खर्च कर रहा है 19,360, तो हमने खर्च के नीचे लिख दिया 19,360। अब उसने पूछा बताओ उसकी मासिक आय कितनी है, तो देखो अगर हम आय निकालते हैं तो कुल आय के नीचे लिख देते हैं हम एक्स, क्योंकि ये कुल आय कितनी है हमने मान के चली इसकी 100। अगर 100 में से वो 88 खर्च करता है तो कितने में से वो 19,360 रुपये खर्च करेगा। यहाँ से इसको सरल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास 88x बराबर 19,360 × 100,
ठीक है, ये यहाँ से या तो डायरेक्ट काट लो इसको, या फिर भाग में बेच कर फिर भी काट सकते हैं, ठीक है। अब जो कट रहा उसको काट दो, अगर देखो हम दो से काटते हैं इसको, तो ये हो जाएगा अपने पास 44 और ये हो जाएगा 9, ठीक है। 19 में 2 का भाग 9 बार, 1 बज गया, 13 में 6 बार, फिर 1 बज गया, 16 में 8 बार, 0 का 0। और कट रहा है ये, 4 से काट सकते हैं इसको 11 बार, और ये हो जाएगा 4 दूना 8, 1 बज गया, 4 चौक 16, 4 दूना 8, 0 का 0। 242 में 11 का भाग, 11 दूना 22, फिर 2 बज गया, 11 दूना 22, 0 का 0। और 220 को अगर हम 100 से गुणा करते हैं तो कितना होगा ये, 22,000, यानी वो महीने के 22,000 रुपये कमाता है। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है अपना कि 60 आदमी 14 दिन में 280 किलोग्राम चावल का उपभोग करते हैं, ठीक है, तो 30 आदमी कितने दिनों में 120 केजी चावल का उपभोग करेंगे, ठीक है। इंग्लिश में अगर देखते हैं सवाल को तो 60 मैन कंज्यूम 280 केजी ऑफ राइस इज इन 14 डे, इन हाउ मैनी डेज विल 30 मैन कंज्यूम 120 केजी ऑफ राइस, ठीक है। देखो यहाँ पर एक तो आदमी आए हैं, दिनों की संख्या आई है, प्लस उनका जो काम करने की क्षमता, या फिर देखो यह काम भी हो सकता है, कुछ खाने पीने की चीज़ हो सकती है, या फिर पैसा कमाना हो सकता है, ठीक है, तीन चीज़ें बेसिक आती है। अब इस सवाल को देखो कैसे जमाते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे आदमी, ठीक है, फिर बीच के अंदर हमेशा दिन आते हैं, और लास्ट में इनका काम, ठीक है, काम की जगह रुपये भी आ सकते हैं, या फिर ये खा रहे हैं वो भी आ सकते हैं। 60 आदमी 14 दिन के अंदर 280 किलोग्राम चावल खाते हैं, ठीक है, या फिर 60 आदमी 14 दिन के अंदर 280 रुपये कमाते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो बताओ 30 आदमी कितने दिनों में, तो हमें दिन पता नहीं है, एक्स मान लेते हैं, वो 120 केजी चावल का उपभोग करेंगे, यानी खाएंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना, मैंने कई बार बताया कि व्यक्ति और समय जब भी आए तो हमेशा सीधा गुणा होता है, ठीक है, और दिन और काम आए तो वज़र गुणा होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको एक ही लाइन में देखते हैं तो देखो ये सीधा गुणा होकर वज़र गुणा हो जाएगा, और ये सीधा गुणा होकर इधर वज़र गुणा हो जाएगा। तो x के साथ क्या है अपने पास, 30 इंटू एक्स इंटू 280 बराबर में क्या है अपने पास, 60 इंटू 14 इंटू 120, ठीक है, ये दोनों संख्या गुणा में कहाँ चली जाएगी, भाग के अंदर, 30 इंटू 280। अब इसमें से जो कट रहा है उसको काट दो, ठीक है। सबसे पहले तो देखो यहाँ जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है, 14 का भाग 28 में दो बार जाता है, ठीक है, 30 से 60 दो बार कटता है, और इस दो से ये दो कट गया, क्या बचा अपने पास, 12, यानी 30 आदमी 12 दिन के अंदर 120 किलोग्राम चावल का उपभोग करेंगे, ये ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना कि व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट अक्योर्ड ऑन द ऑन एन अमाउंट ऑफ 988 एट द रेट ऑफ 80% पर एनम एट द एंड ऑफ 5 ईयर, यानी 988 रुपये की राशि का 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर मूलधन 988 रुपये दे रखा है, दर 18% दे रखी है, और समय 5 वर्ष दे रखा है, हमें ब्याज निकालना है साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज के लिए क्या है, पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 बराबर होता है एस आई, ठीक है, मूलधन समय दर और साधारण ब्याज, ठीक है। तो मूलधन दे रखा है 988 रुपये, टाइम दे रखा है 5 वर्ष, और दर दे रखी है 18%, तो 18/100, प्रतिशत का आधार हमेशा 100 होता है। इसको अगर हम सरल करेंगे तो अपने पास ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है। देखो अगर हम इसको गुणा करते हैं तो 18 को 5 से गुणा करेंगे तो 90 आएगा, ठीक है, इस एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 9 को अगर हम 988 से गुणा करके 10 का भाग देंगे तो ब्याज प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, 8 नम 72 हासिल का 7, ठीक है, फिर 8 नम 72 और 7 79 हासिल का 7 81 और 7 88, ठीक है, बटा 10 है, 101 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो जो ब्याज की राशि है वो कितनी है, 889.2 या 889.20 रुपये, ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम राइट आंसर होगा।
अगला सवाल है अपना कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर लंबी है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर तीनों भुजाएं दे रखी है, इसका क्षेत्रफल हमें पता करना है। देखो यहाँ हमें पता नहीं है कि वो त्रिभुज कौन सा है, वो समकोण त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, या विषमबाहु त्रिभुज है, हमें पता नहीं है। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि किसी भी त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, ठीक है, दो छोटी भुजा जैसे 3 और 4, ये छोटी भुजा है, इनके वर्ग यानी स्क्वायर का अगर टोटल बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है तो इसका मतलब वो एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जैसे 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो 9 और 16 25 होता है और इधर भी 25 है, यानी ये बराबर है। तो और इस कंडीशन के अंदर ये जो त्रिभुज है वो कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज, ठीक है, जिसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, एक 4 है और उसकी सबसे बड़ी भुजा है जो वो इसका कर्ण है वो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 × आधार × ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 × आधार है 3 और ऊंचाई है 4, 2 से 4 2 बार करता है, 3 × 6 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, अगर ये नहीं कर सकते हो और इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है, जैसे मान लो हमें ये पता नहीं है, तब ऐसे त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमें क्या, हीरोन का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, और हीरोन का सूत्र क्या होता है, देखो इसको हटा देते हैं, हीरोन का सूत्र होता है √S cos(S − A, S − B) और S − C। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ए बी सी तो ये तीनों भुजा होगी, जैसे ये ए, ये बी और ये सी। अब एस क्या होता है, एस बराबर होता है a+b+c/2, ये होता है एस। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर एस निकालते हैं तो 3 और 4 7 और 5 12, ठीक है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12/2 क्या होता है 6। ठीक है, तो एस की जगह हम लिखते हैं 6, फिर 6 - a की वैल्यू है 3, फिर 6 - b की वैल्यू है 4 और 6 - c की वैल्यू है 5। ठीक है, ये हो जाएगा √6 × 6 में से 3 गया तो 3, 6 में से 4 गया तो 2 और 6 में से 5 गया तो 1। ठीक है, इनको आपस में गुणा करते हैं तो 6 * 3 = 18, 18 * 2 = 36, 36 + 1 = 36, √36 की वैल्यू क्या होती है 6, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, दोनों तरीके से इसको आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि हाउ मेनी डिग्रीज विल बी आवर इन रोटेट इन 48 मिनट्स। ठीक है, यानी 48 मिनट में घंटी की सुई कितने अंश घूम जाएगी। ठीक है, तो देखो घंटी की जो सुई होती है घड़ी के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है, जो छोटी वाली सुई है वो घंटे की सुई होती है, बड़ी वाली मिनट की और छोटी वाली घंटे की होती है। ठीक है, एक घड़ी में जो ये टोटल एंगल होता है ये हमेशा 360 डिग्री का होता है। ठीक है, और इस 360 के एंगल को जो घंटे वाली सुई है वो कितने समय में कवर करती है, क्योंकि वो जो उसका पूरा राउंड है वो 12 घंटे में लगाती है, यानी 12 घंटे के अंदर घंटे वाली सुई 360 डिग्री एंगल घूमती है। अगर 12 घंटे में वो 360 घूमती है तो हमेशा एक घंटे के अंदर वो घड़ी की सुई, ठीक है, 12 का अगर 360 में भाग देते तो 30 बार जाता है। ठीक है, यानी एक घंटे में वो 30 डिग्री घूमती है। अब एक घंटे में क्या होता है, 60 मिनट। ठीक है, तो 60 मिनट के अंदर भी वो 30 डिग्री ही घूमेगी। ठीक है, और अगर 60 मिनट में वो 30 डिग्री घूमती है तो एक मिनट में कितना घूमेगी, 60 का भाग दे दो 30 के अंदर, ठीक है, ये होता है 30/60 यानी 1/2। ठीक है, तो आधा डिग्री वो एक मिनट में घूमती है, कौन, घंटे वाली सुई। तो हमसे पूछा है कि 48 मिनट में, कितने मिनट में, 48 मिनट में, तो 48 को गुणा कर देते हम 1/2 से, तो कितना था अपने पास, 24 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर घंटे वाली सुई 48 मिनट के अंदर 24 डिग्री घूमेगी। ठीक है, और अगर सवाल ये पूछता कि बताओ 48 मिनट में मिनट वाली सुई, ठीक है, या घंटे की जगह क्या होता, मिनट, तो मिनट वाली सुई 48 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी। तो देखो अब मिनट वाली जो सुई है वो इसका पूरा राउंड है जो, ठीक है, जो 360 डिग्री का राउंड है वो 60 मिनट में लगाती है, यानी 60 मिनट के अंदर वो 360 डिग्री घूमती है, या फिर एक घंटे में 360 घूमती है, क्योंकि एक मिनट के अंदर वो पूरा राउंड लगा लेती है। अगर 60 मिनट में 360 जाती है तो एक मिनट में कितना जाएगी, 360 में भाग देते हैं 60 का, तो अपने पास आता है 6 डिग्री। ठीक है, यानी मिनट वाली सुई एक मिनट के अंदर 6 डिग्री घूमती है, तो 48 मिनट में कितना घूमेगी, 48 को गुणा कर दो 6 से,
ठीक है, 8648 हासिल का 4 2404 28 288 डिग्री, अगर मिनट वाले की बात करें, ठीक है, घंटे वाले का आंसर 24 डिग्री होगा, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि यदि त्रिभुज एबीसी में कोण 2A बराबर कोण 3B बराबर कोण 4C हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर अपने पास दे रखा है 2A बराबर 3B बराबर 4C, ठीक है, और हमें निकालना है A अनुपात B अनुपात C। देखो सिंपल तरीका है इसको करने का, ठीक है, यहाँ पर इन दोनों को अलग टुकड़े कर लेते हैं और इन दोनों का अलग टुकड़ा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास 2A बराबर 3B और 3B बराबर हो जाएगा 4C। ठीक है, तो यहाँ पर A अनुपात B क्या हो गया 3:2 और B अनुपात C क्या हो गया 4:3। अब देखो ये कैसा आया, सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना कि इस कंडीशन में अगर कोई भी सवाल आ जाए जैसे 2A बराबर 3B, ठीक है, तो ध्यान रखना A की वैल्यू हमेशा B के पास होती है और B की वैल्यू हमेशा A के पास होती है, तो A की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है, और B की वैल्यू 2। इसी तरह B की वैल्यू C के पास है तो B की वैल्यू 4 हो गई और C की वैल्यू 3 हो गई। अब यहाँ से हमें ABC निकालना है, AB दे रखा है BC दे रखा है, तो ABC कैसे निकालते हैं, A अनुपात B अनुपात C, ठीक है, A है अपने पास 3 और B है 2, जो सवाल में यहाँ दे रखा है, ठीक है। इसी तरह BC है, B में 4 और C के अंदर 3 है, इसको सरल कर लो अब, ठीक है। अब कैसे सरल करते हैं, यहाँ कुछ खाली जगह दिख रही है उसको भर लो, जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लिख दो और यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिख दो, ठीक है, बराबर की जो संख्या है वो लिखनी है हमें और इनको आपस में गुणा कर देना है, ठीक है, 4 3 12, 4 2 8 और 3 2 6, तो A अनुपात B अनुपात C का रेशियो क्या आया 12 8 और 6। अब इसमें से जो कट रहा है उसको काट लो, जैसे 2 से कट रहा है ये 6 बार, ये 4 बार और ये 3 बार, तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा 6:4:3, ऑप्शन नंबर C अपना राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अपना कि 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। ठीक है, देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर कोई भी रेलगाड़ी, ठीक है, जैसे मान लो ये रेलगाड़ी है, अगर ये किसी खंभे को पार करती है किसी भी चाल से तो अपने खुद की दूरी तय करती है, जैसे मान लो रेलगाड़ी 300 मीटर लंबी है तो उसको सिर्फ 300 मीटर ही पार करना पड़ेगा, लेकिन अगर सामने कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जैसे मान लो कोई और रेलगाड़ी खड़ी है या फिर कोई पुल है, ठीक है, या फिर कोई गुफा है, उनको अगर ये पार करती है तो ध्यान रखना हमेशा इन दोनों की लंबाई जुड़ जाती है, जैसे मान लो 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी या अन्य पुल या किसी को भी अगर पार करेगी तो दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी, यानी टोटल इसको कितना पार करना पड़ेगा 500 मीटर, ठीक है, ये चीज़ हो गई इनकी लंबाई से। दूसरी चीज़ इनकी चाल, ठीक है, चाल क्या दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब इसको अगर आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो तो यहाँ पर देखो हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है इसके अंदर, हमें क्या करना है, हमें ये जो दूरी है वो मीटर में पार कर रही है, ठीक है। अब मीटर के अंदर क्या होता है कि 1 किलोमीटर के अंदर हमेशा 1000 मीटर होता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो 45 किलोमीटर में 45,000 मीटर और पर आवर यानी एक घंटे की बात करिए तो जो देखो टाइम जो अपना आ रखा है वो आंसर सारा सेकंड में आ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक घंटे के अंदर हमेशा 3600 सेकंड होते हैं। देखो अगर इसको फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो इस 45 किलोमीटर को गुणा कर दो 5/18 से, यानी मीटर पर सेकंड में चेंज करके फिर जो इसकी जो टोटल लेंथ है, ठीक है, उसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, यानी एक सेकंड में इतना जा रही है तो इतना 171 प्लस 229, ठीक है, इन दोनों को जोड़ते तो टोटल 400 मीटर होता है, यानी 400 मीटर जाने में कितना समय लेगी वैसे भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप इसको बिना फॉर्मूले के करना चाहते हो, देखो कैसे करते हैं, इधर लिखना है दूरी और इधर लिखना है समय, ठीक है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, 45 किलोमीटर का मतलब वो 45,000 मीटर जा रही है 3600 सेकंड में, ठीक है, ये हमने मीटर और सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। तो बताओ 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 229 मीटर लंबे पुल, तो 171 और 229 को जोड़ते तो कितना आता है 400, यानी 400 मीटर की दूरी जाने में कितना समय लेगी वो x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो देखो यहाँ मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ क्योंकि देखो x के साथ है 45,000, ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा
400 × 3600/45000, क्योंकि एक्स के साथ जो भी नंबर होता है वो हमेशा भाग में जाता है। इसको काट सकते हैं, सबसे पहले एक दो ज़ीरो से ये दो ज़ीरो कट गया, इस एक ज़ीरो से ये एक ज़ीरो कट गया, ठीक है। 3645 नौ से कटता है, 9545 और 9 6 36, और 5 का भाग 40 में जाता है 8 बार, 8 को 4 से गुणा किया तो 32, यानी 32 सेकेंड के अंदर वो उसको पार कर लेगी। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर इसका विक्रय मूल्य 24 रुपये हो जाता है। यदि अंकित मूल्य पर 30% की छूट देंगे तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। अब देखो इसको कैसे निकालते हैं। यहाँ पर 20% की छूट दे रहा है, छूट का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ मान लो 100 रुपये की है तो उसको ये 80 में ही बेच रहा है, ठीक है। 20% की छूट दे दी तो 80 में बेच रहा है, यानी 100 क्रय हैं तो 80 विक्रय होगा, ठीक है। तब इसका विक्रय मूल्य 24 रुपये हो जाता है। तो हमें क्या करना है, इधर भी विक्रय मूल्य लिखना है और इधर भी विक्रय मूल्य ही लिखना है, ठीक है। देखो 20% की छूट देने पर विक्रय मूल्य कितना होता है, 80, ठीक है। तब इसका विक्रय मूल्य वास्तव में कितना होता है, 24 रुपये। अब इसने कहा कि 30% की छूट दे दे तो 100 की चीज़ कितने बेचेगा, ये 70 रुपये में। तो अगर विक्रय मूल्य 70 है तो वास्तव में विक्रय मूल्य कितना होगा, x। कुछ भी नहीं करना, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये हो जाएगा 80x बराबर 70 × 24, ठीक है। 80 गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग के अंदर, 0 से 0 कट गया, 8 का भाग 24 में 3 बार, और 3 को 7 से गुणा किया तो 21, यानी तब उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 21 रुपये। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। अगला सवाल है अपना कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6889, यानी 6889 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब देखो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ से इन दोनों नंबरों को आप किसी को भी आपस में गुणा करके भी वर्गमूल निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। वर्गमूल निकालने का सबसे बेस्ट तरीका, यहाँ नंबर दे रखा अपने पास 6, 8, 8 और 9, ठीक है। हमेशा दो दो के जोड़े बनाने हैं, और कहाँ से, इकाई के अंक से। तो अगर हम पहला जोड़ा ये देखते हैं और दूसरा ये बना लेते हैं, ठीक है। पहला जोड़ा लेना है, अगर ये चीज़ आपको समझ में आई तो आप मेरे को कमेंट में निकाल के बताएंगे कि 4096 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर निकाल के बताओ। अगला क्वेश्चन है अपना कि यदि a इंटू बी बराबर है 2 cos a प्लस बी तो 5 × 2 का मान क्या होगा। देखो यहाँ पर इस सीक्वेंस में इसको सरल करना है, ठीक है। इसने कहा कि a, या हम गुणा लिख लेते हैं, ठीक है, b या स्टार है तो बराबर है 2 cos a + b, ठीक है। तो अगर देखो हम इसको अगर खोलते हैं तो ये चीज़ हमें यहाँ पर भी इसको खोलना पड़ेगा, यानी 5 × 2 को। और किस तरीके से खुलेगा ये देखो, 2 की जगह तो 2 ही रहेगा, a की जगह आया है 5 और b की जगह आया है 2, तो यहाँ लिखते हैं हम 5 + 2, ठीक है। तो अगर इसको हम सरल करते हैं तो 5 और 2 कितना होता है, 7 × 2, और 7 × 2 क्या होता है, 14। तो 5 × 2 बराबर क्या होगा, 14। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि वे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1356, 1868, 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे, ठीक है। देखो सबसे पहले तो इसने कहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या में ध्यान रखना हमेशा HCF निकलता है, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या में LCM निकलता है और बड़ी से बड़ी संख्या में HCF निकलता है। अब 12 भी शेष बचना चाहिए। देखो यहाँ सिर्फ हमें HCF ही नहीं निकालना है, इसने कहा कि प्रत्येक दशा में 12 शेष बचना चाहिए, यानी कौन सी संख्या है जिसको अगर हम 1356 में भाग दें तभी भी 12 बचे, 1868 में भाग दे तब भी 12 बचे, और 2764 में दे तब भी 12 शेष बचे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सब में से 12 को माइनस कर लेना है, ठीक है। अब अगर हम 1356 में से 12 माइनस करते हैं तो अपने पास बचता है यहाँ पर 1344, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी अगर हम 12 माइनस करते हैं तो अपने पास बचता है 1800
56 और यहाँ 12 माइनस करते हैं तो अपने पास बचता है 2752। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन सब का HCF निकालना है। ठीक है, 1344, 1856 और 2752 का। ठीक है, HCF कैसे निकलता है, सब का अलग अलग। ठीक है, अगर हम यहाँ दो का भाग देते हैं तो यहाँ आएगा अपने पास 6, एक बच गया 7 और 2। फिर दो का भाग देते हैं तो अपने पास 3, 3 और 6। ठीक है, फिर दो का 1, 6 और 8। ठीक है, फिर दो का अगर हम देते हैं तो 84। ठीक है, फिर दो का 42, फिर दो का 21, फिर 3 का 7 बार और 7 का 1 बार। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर अगर हम दो का भाग देते हैं तो 9, 2, 8। ठीक है, फिर दो का 4, 6, 4, फिर दो का 2, 3, 2, फिर दो का 1, 1, 6, फिर दो का 5, 8। ठीक है, फिर दो का 29 और 29 में 1 बार। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर अगर हम दो का भाग देते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास 13, एक बज गया 7 और यहाँ पर 6, 1376। फिर दो का ये लगे, ठीक है, 6, एक बज गया 8, एक बज गया 8, 688। फिर दो का 344, फिर दो का अगर हम भाग देते हैं तो 172, फिर दो का 886। ठीक है, फिर दो का भाग देते हैं तो अपने पास यहाँ 43 और 43 एक अभाज्य संख्या, तो 43 का एक बार ही जाएगा। अब क्या करना है, HCF के अंदर हमें हमेशा कॉमन लेते हैं तो ऐसी संख्या जो तीनों के अंदर हो। ठीक है, जैसे ये दो कॉमन आ रहा है सब में, अगला दो भी कॉमन है। ठीक है, अगला दो भी कॉमन है। ठीक है, अगला दो भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, HCF के अंदर हमें कॉमन नंबर ढूंढना है। देखो, अगला दो भी कॉमन है और इसका अगला दो भी कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो अगर हम एक किसी नंबर को उठा लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये दो है तो ये आ रहा है अपने पास 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64। ठीक है, तो इसका HCF कितना आया, 64। तो 64 वे बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका अगर हम 1356 में भाग देंगे तब भी 12 बचेगा, 1868 में देंगे तब भी 12 बचेगा और 2764 में देंगे तब भी 12 बचेगा। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। और अगर सवाल ये होता है कि वे छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, जैसे 1356, 1868 और 2764 में भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 12 शेष बचे। ठीक है, तो अगर इस टाइप का अगर बड़ी से बड़ी संख्या की जगह छोटी से छोटी संख्या का आता, तो ध्यान रखना हमेशा इनका सबसे पहले हमें LCM निकालना पड़ता है। ठीक है, और उसमें फिर ये 12 को जोड़ देना है। ठीक है, अगर इस तरीके से LCM से रिलेटिव क्वेश्चन आए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि संख्या 22 की पावर 23 में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, देखो इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर किसी भी संख्या में इकाई का अंक अगर पता करना हो तो नंबर है अपने पास 22 की पावर 23। ठीक है, सबसे पहले इस नंबर को यहाँ पर इकाई का अंक जो 22 दे रखा है, इसका इकाई का अंक लिख लेते हैं 2 नीचे। ठीक है, और इसमें हमेशा 4 का भाग देना, हमेशा ध्यान रखना 4 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं लगता है। ठीक है, अब 4 का भाग देने पर जो शेष बचता है, ठीक है, वो इस नंबर की पावर लगानी है। अब देखो, अगर हम भाग देते हैं 4 का 23 के अंदर तो 4 × 5 = 20, 5 बार पूरा पूरा जा रहा है और 3 शेष बच रहा है, तो वो इसकी पावर लगा दो। ठीक है, अब देखो कुछ कंडीशन ऐसी होती है, जैसे मान लो यहाँ 24 होता है। ठीक है, और 24 में अगर हम 4 का भाग देते तो पूरा पूरा चला जाता है, यानी कुछ भी शेष नहीं बचता है। ठीक है, और अगर 2 की पावर 0 करते तो फिर 1 हो जाता, जो गलत है। ठीक है, तो इसलिए एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ शेष में ना या तो 1, 2, 3 या फिर 4, 0 नहीं बचना है। ठीक है, 0 नहीं बचाना है, हमेशा 1, 2, 3, 4 में से ही अगर भाग पूरा पूरा जाए तो शेष 4 बचेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी 1, 2, 3 तो बचता ही है, जैसे मान लो यहाँ 21 होता तो 1 बचता, 22 होता तो 2,
23 होता तो 3 बच रहा है, और अगर 24 होता तो क्या शेष बचाना हमें 4, ठीक है। तो फिर पावर ये लगानी है, तो यहाँ पर 3 बचा तो वो हमने 2 की पावर लगा दी, और 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो इस नंबर का जो इकाई अंक है वो कितना होगा 8। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। जैसे अपने पास सवाल है कि 176 की पावर 153, इसका इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इकाई अंक लेंगे 6 और इसमें भाग देंगे 4 का, ठीक है। यहाँ पर इकाई अंक दे रखा है 6, नीचे लिख दिया। अब 4 तिया 12 बच गया 3, ठीक है। 4 वटा 32 बच गया 1, ठीक है। एक बच रहा है वो 1 इसकी पावर लगा दो, और 6 की पावर 1 क्या होती है 6, तो इसका इकाई अंक क्या होगा 6। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आर्मी के एग्ज़ाम के अंदर मैंने एक चीज़ देखी है कई बार कि ये इस टाइप के क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन कैसी भी तरीके से बन सकता है, चाहे वो प्लस के प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, गुणा में या फिर भाग में, पॉइंटों का सवाल आता है, ठीक है। अपने पास सवाल है यहाँ पर कि 833.25 में से हमें 384.45 को माइनस करना है। अब पॉइंटों का माइनस कैसे करते हैं, सबसे पहले बड़ी संख्या अपने पास 833.25, इसमें से हमें माइनस करना है। देखो पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, इधर जो संख्या है जैसे 384 इधर है और 45 इधर है, सेम लिख दो, ठीक है। अब माइनस कर लो इसको, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 4 नहीं जाता, एक उधार ले लो, इधर बचा 2, इधर हो गया 12, 12 में से 4 गया तो 8, ठीक है। यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट, अब 2 में से 4 नहीं जाता, फिर एक उधार लिया, इधर बचा 2, इधर हो गया 12 में से 4 गया तो 8, फिर 2 में से 8 नहीं जाता, एक उधार ले लिया, इधर बचा 7, इधर हो गया 12, 12 में से 8 गया तो 4, और 7 में से 3 गया तो 4, तो आंसर क्या होगा 448.80, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा, ठीक है। अब आप अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो अगर प्लस में भी हो, ठीक है, अगर मान लो इन दोनों को अगर हमें जोड़ना है तब भी हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट रखकर ही इनको प्लस करना है, ठीक है। तो आप मेरे को इसका आंसर कमेंट में बताएंगे, 0.005 प्लस 0.05 प्लस 0.5, ठीक है, बराबर क्या होगा, इसका आंसर आप मेरे को फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है अपना कि एक गुलाब की कीमत 12 रुपए, तो बताओ 8 दर्जन गुलाब की कीमत क्या होगी, ठीक है। देखो यहां पर गुलाब कितना है 1 और इसकी कीमत है 12 रुपए, तो यहां लिखेंगे हम गुलाब 1 है और इसकी जो कीमत है वो रुपए में कितनी है 12 रुपए, तो बताओ 8 दर्जन गुलाब की कीमत कितनी होगी, ठीक है। देखो यहां पर एक दर्जन में हमेशा ध्यान रखना है क्वांटिटी में 12 होती है, ठीक है, तो 8 दर्जन की बात कर रहे हैं तो 8 दर्जन में कितना होगा 96, यानी हमें 96 गुलाब की कीमत हमें पता करनी है। तो अगर एक गुलाब की कीमत 12 रुपए है तो 96 गुलाब की कीमत कितनी होगी x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 96 × 12, और 96 को अगर हम 12 से गुणा करते हैं, ठीक है, तो 12 छः के 72 हासिल का 7, ठीक है, 12 नाम 108 और 7 115, ठीक है, तो 8 दर्जन गुलाब की कीमत होगी 1152 रुपये, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना, ठीक है, और नए हो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, तो इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। आशा करता हूँ आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।